कहने के पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपकी तेलुगु जो बोली भाषा है उससे मैं अपने विचार नहीं रखूंगा, हिंदी में ही अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सन्माननीय के चंद्रशेखर राव जी को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से पूरी बधाई देता हूं। कि उन्होंने आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है, 125 फीट की मूर्ति का अनावरण भी आज हो गया है, लेकिन साथ साथ इस देश के अंदर जो दबा हुआ कुतला कुचला हुआ समाज जो है उसमें एक नई चेतना एक नई जान दोबारा उन्होंने शुरुआत की। एक चिंगारी जो है एक नई चिंगारी उन्होंने शुरुआत की। मैं मानता हूं कि हम लोग जो है बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ढोल बजाना गाना बजाना बाबा साहब की बातों का दोहराना लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जयंती है वो अलग ढंग से मनाई जा रही है। ना सिर्फ उनके गुणगान जा रहे हैं, गुण है गान है उस पर लोग गा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब यहां पर चाहते थे, इस देश में जो हमेशा बाबा साहब चाहते थे उस पर शुरुआत हुई। बाबा साहब ने जरूर हमसे कहा कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद आप संगठित हो और एजिटेट करो, लेकिन किसके लिए? हमको संघर्ष करना है किसके लिए? तो संघर्ष करना है समाज में बदलाव लाने के लिए। हमको संघर्ष किससे लाना है? तो एक नई व्यवस्था इस देश में पैदा करनी। हमको इस देश में संघर्ष क्यों करना है? तो इस देश में इंसानियत पनपनी चाहिए, इसके लिए हमको संघर्ष करना है। ये तो सिद्धांत हुए कि जिस पर हम समाज बनाना चाहते हैं, ये जो सिनियाद सिद्धांत है कि जिसके बुनियाद पर यहां की समाज व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उस युग की हकीकत भी हम लोगों को जाननी है, और वह हकीकत है कि 1923 में बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थेसिस लिखी थी कि जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या। और इस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि उस वक्त का जो राज था, अंग्रेजों का जो राज था, इंग्लैंड का जो राज था, वो रुपए के साथ में कैसे खेलते थे
और उस खेल के माध्यम से वो भारत को लूटते थे। बाबा साहब पढ़े लिखे थे इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी रखा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो वो उसको ये कहेंगे थ्योरी ऑफ लूट। मतलब एक दूसरे का पैसा कैसा लूटना उसका उन्होंने विवरण किया है कि अंग्रेज जो है वो भारत को किस तरह से लूट रहा है। मैं मान के चलता हूं जिसका अब उद्घाटन हुआ, दलित बंधु का जो उद्घाटन हुआ, ये थोड़े बहुत पैमाने पे इस थ्योरी ऑफ लूट को रोकने की कोशिश की जा रही। क्योंकि यहां जो प्रोडक्शन करने वाला है और बेचने वाला जो है वो यहां का दबा कुचला हुआ समाज नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, वो तो सिर्फ खरीदने वाला समाज है। आज उसमें भी एक व्यापार की भावना, कमर्शलाइजेशन आए, उसकी कोशिश की जा रही है। मैं उसकी सराहना करता हूं और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश को आर्थिक दुर्बलता से, आर्थिक दुर्बलता से कैसे लड़ना चाहिए, आर्थिक दुर्बलता से कैसे लड़ना चाहिए और साथ साथ ये जो पॉवर्टी इलेवेशन का जो सरकार का कार्यक्रम है उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के आर्थिक विचारों को आगे ले जाने के लिए मैं उनको दोबारा धन्यवाद देता हूं और अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, देश को आजाद हुए 70 साल, लेकिन पूरी तरह से बाबा साहब आज भी लोगों के सामने आए नहीं। हम लोग यही समझते हैं, कि बाबा साहब का जो कार्य रहा है, समाज कार्य रहा है, ये दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, आरक्षण के लिए ही रहा है, ऐसी परिस्थिति है। ये बात जरूर है कि उनका फोकस जो था, बाबा साहब का पूरा फोकस जो था वो पूरा फोकस इलिवेशन जो है, दलितों का इलिवेशन करना, आदिवासियों का इलिवेशन करना, और यहां हम लोगों को एक ही माइनॉरिटी दिखाई देती है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी दिखाई देती है। इस देश में सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, इस देश में कम्युनिटी माइनॉरिटी भी है। लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, ऐसे कई समाज में गिन सकता हूं कि जिनके गांव में सब 2 या 4 या 5 या 10 घर होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। और बाबा साहब ने कहा कि जैसे एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसी तरह से यहां एक कम्युनिटी माइनॉरिटी भी है, और इस कम्युनिटी की हिफाजत करना है, इस कम्युनिटी माइनॉरिटी की हिफाजत करना है। तो उन्होंने 1956 में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनी थी तो उसको एक न्योता दिया था, कहा था कि स्टेट शुड बी रिऑर्गेनाइज नॉट ऑन द बेसिस, स्टेट शुड नॉट बी रिऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। राज्य जो है वो भाषा पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट रिऑर्गेनाइज आपको करना है तो पहला उसका वायबिलिटी आपको देखना है, इकोनॉमिक वायबिलिटी आपको उसकी देखनी है, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उसको आपको देखनी है, और उसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है कि नहीं बनता है ये आपको देखना है। 55-56 की बात थी,
मैं यहां एक व्यक्ति का नाम लूंगा, पुट्टी श्री रामुलु जी का, कि जिन्होंने आंध्र प्रदेश बनाने के लिए अपना बलिदान दिया। जब तक यहां बलिदान नहीं दिया जाता था तब तक कोई राज्य या कोई सवाल हल नहीं होती थी, ऐसी एक परिस्थिति है। बाबा साहब ने पट्टी श्री रामनु को श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश बनाने से कांग्रेस पार्टी ने पुण्यदम कर दिया है, पुण्यदान जो होता है वो पुण्यदान कर दिया है, ऐसी एक परिस्थिति है। मतलब यहां एक राज्य बनाने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ता है और बलिदान के बाद ही यहां पर राज्य बनते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। वही बात बाद में 40 साल बाद आई, तेलंगाना का सवाल आया। आज तेलंगाना राज्य बन चुका है और एक नई दिशा, एक छोटे राज्य यहां पर दिखाई दे रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। आपको वेलफेयर स्टेट की अगर संकल्पना, वेलफेयर स्टेट की अगर संकल्पना आपको मंजूर करनी है तो राज्य छोटे होने, ये जो बाबा साहब की डिमांड थी वो आज मेरे ख्याल से कई राज्यों में मांगी जा रही है। और इस अवसर पर मैं ये कहूंगा कि व्यवस्था ही बाबा साहब को यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है। व्यवस्था ही यहां पर जिंदा रखती है, ऐसी एक परिस्थिति है। एक और इश्यू को लेकर यहां पर मैं आपसे बात करूंगा और वो ये है, मैं मुख्यमंत्री पर उसके जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि आप लोगों को इकोनॉमिकल इंपावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 लाख की आप जो है उनको ग्रांट दे रहे हो, बहुत सराहनीय बात है, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है और लोग इसलिए आपको दुआ भी देते हैं। लेकिन एक साल के बाद यह 10 लाख रुपए की कीमत आज जो है वो वैसी बरकरार रहनी चाहिए। ये जो 10 लाख रुपए की कीमत जो है वो वैसी की वैसी बरकरार रहनी चाहिए, यह सबसे बड़ा बाबा साहब का इशू था। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम लोग रुपए की कीमत, वैल्यू ऑफ रुपी, इसको हम लोग जब तक स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, इसको जब तक हम लोग स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग कितना भी पॉवर्टी एलिवेशन का कार्यक्रम अगर करते रहे तो वैल्यू की कीमत जैसे नीचे बढ़ जाएगी वैसे उसकी गरीबी भी नीचे चलती जाएगी। और इसलिए आज के मुताबिक बाबा साहब की जयंती पर हम लोग ने इस बात को गौर करना चाहिए कि जब तक प्राइस स्टेबिलिटी होता नहीं है, आज मैं दुकान में जाऊं तो ग्लूकोज का बिस्किट मुझे 5 रुपए में मिलता है, एक साल के बाद जाऊं तो वही मुझे 7 रुपए में मिलता है, 2 रुपया बढ़ गया है। ये जो 2 रुपया बढ़ता है वो गरीबों को काफी बड़ी चोट पहुंचाता है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए रुपए की जो वैल्यू है उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और मुख्यमंत्री होने के नाते, एक मुख्यमंत्री अगर इसके शुरुआत करे तो हो सके कि देश के मुख्यमंत्री भी आपके पीछे चलने की कोशिश वहां पर करेंगे और ये जिम्मेदारी आप इस जयंती के अवसर पर लेंगे, ऐसी में अपेक्षा आपसे करता हूं। 2 आखिरी बात है, मुझे पता नहीं इस हैदराबाद का और बाबा साहब का क्या संबंध था, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में जब पढ़ रहा था और भारत के सिक्योरिटी का सवाल जब आया तब उन्होंने कहा कि भारत को एक और कैपिटल होने की जरूरत है, एक और कैपिटल होने की जरूरत है। और जब उनसे पूछा गया कि दूसरा कैपिटल का होना चाहिए तब उन्होंने हैदराबाद सिटी का नाम लेके कहा कि सेकेंड कैपिटल जो है वह हैदराबाद में होना चाहिए।
क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर से दिल्ली जो है वो 300 किलोमीटर, चाइना की बॉर्डर से दिल्ली हम लोग देखा जाए तो 500 किलोमीटर बॉर्डर है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग दूसरा कैपिटल बनाते नहीं तब तक जो है हम लोग सुखरूप है, वी आर सिक्योर्ड, ये नहीं हो सकता। और इसलिए उन्होंने जो है वो हैदराबाद को सेकेंड कैपिटल होने की मांग की थी, उस वक्त पूरी नहीं हुई। शायद मेरे ख्याल से तेलंगाना दोबारा इसको मांग करेगा तो सेकेंड कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो हैदराबाद यहां पर बन सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं एक आखिरी सवाल यहां पे कहूंगा क्योंकि वो आज सबसे बड़ा इशू बन चुका है कि जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, और वो ये है कि इस देश को धार्मिकता में हम लोग परिवर्तन करना चाहते, इस देश को जो है हम लोग धार्मिकता में परिवर्तन करना चाहते। 1938 में ही बाबा साहब ने किताब लिखी थी जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। आज दोबारा पढ़ लीजिए, उस वक्त की जो राजनीति चल रही थी वो यही थी कि हिंदुओं की जो शेंडी होती है, चोट होती है, वो मुसलमानों के हाथ में थी, और मुसलमानों की दाढ़ी जो थी वो हिंदू के हाथ में थी। उन्होंने कहा यह राजनीति नहीं चल सकती, उन्होंने कहा यह राजनीति नहीं चल सकती, दोनों अलग अलग है। और इसलिए उस वक्त उन्होंने बंटवारे की बात कही और कहा कि जो मुस्लिम इलाका है उसको एक नया नेशन होना चाहिए, और यहाँ जो हिंदू है उनके लिए अलग देश होना चाहिए, और भारत उसका वो देश होना चाहिए। ये 1938 में ही बाबा साहब ने उसको शुरुआत की, बंटवारा भी उसी तरह से हुआ, बंटवारा उसी तरह से हुआ। मेजॉरिटी लिविंग पाकिस्तान, मेजॉरिटी लिविंग मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान बन चुके, हिंदू मेजॉरिटी जो था वो भारत यहां पर बन गया। ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने की जो राजनीति चली है उससे मेरे ख्याल से हम लोग को बचना होगा, उससे हम लोग को बचना होगा कि जब भैया बंटवारे के साथ साथ इस देश में रहने वाले हिंदू उनके लिए एक राष्ट्र बन चुका है तो नया राष्ट्र की कहां की चर्चा आप शुरुआत कर। ये तो गुमराह की बात है, धर्म की राजनीति की बात। और जो बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि जिस दिन इस देश में धर्म और जात की राजनीति शुरुआत होगी, जिस दिन धर्म और जात की राजनीति शुरुआत होगी उसका पहला कैजुअलिटी ये होगा कि यू विल हैव नो नेशनल लीडर। उसकी कैजुअलिटी ये होगी कि आपके पास कोई नेशनल लीडर नहीं होगा। आज मैं मान के चलता हूं कि इस देश में कोई नेशनल लीडर नहीं। मुझे लोग पूछते हैं कि यहां आखिरी नेशनल लीडर कौन है, मैं एक ही कहता हूं कि जो अपने पार्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत रखता था अटल बिहारी वाजपेयी, अपने पार्टी को भी सुनाता था, इसलिए मैं इनका वो आखिरी करता हूं, उसके बाद भी कोई नहीं। आज जो स्टेट लीडर्स हैं, उनको मौका है नेशनल लीडर बनने का, लेकिन लोगों ने उनको साथ देना जरूरी है तभी जाके वो नेशनल लीडर यहां पर बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि तेलंगाना ने डेवलपमेंट के माध्यम से एक नया रास्ता देश को दिखाया है, वही रास्ता आप आगे देश में ले जाने की कोशिश करेंगे और मौका भी देंगे आपके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को। इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब के जन्मदिन पर आप सब लोगों को बधाई देते हुए, जन्मदिन हम लोग सभी मनाते हैं, धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, अगले साल भी मनाते रहेंगे, लेकिन अगले साल जो बाबा साहब ने चेतावनी दी थी
उस चेतावनी को याद रखते हुए हम जात और धर्म के राजनीति से अलग होंगे, यही शपथ हम लोग लेंगे। जय भीम, जय भारत।